भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज भारत लगातार दो मैच गवा कर हार चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई में यह भारतीय टीम की लगातार तीसरी हार है। ये वजह है कि अब सीरीज हारने पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इनमें से हम तीन सबसे अहम सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। पहला सवाल, T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए नहीं हो रहा चयन। इसी साल T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इसके कारण यह सवाल तो लाजमी ही होगा। आखिर भारतीय चयनकर्ताओं द्वारा वनडे में भी उन खिलाड़ियों को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है जो इस साल T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। दूसरा सवाल, केदार जाधव का टीम में क्या किरदार है? कप्तान विराट कोहली ने मनीष पांडे ऋषभ पंत को बैठाकर केदार जाधव को आखिर ही क्यों मौका दिया है, जबकि मनीष पांडे और पंत इस साल T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होने वाले हैं, और फिर अगर केदार जाधव को खिलाया जा रहा है आखिर क्यों? उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई जा रही है, और अगर वह गेंदबाजी नहीं कर रहे तो किसी प्रॉपर बल्लेबाज को उनकी जगह क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? तीसरा सवाल, रोहित और धवन की गैर मौजूदगी में केएल राहुल से ओपनिंग करवानी चाहिए। देखिए, ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि जब रोहित और धवन टीम में नहीं है तो केएल राहुल ओपनिंग के नंबर एक दावेदार है। यह बात अलग है कि केएल राहुल ने नंबर 5 पर अच्छी बल्लेबाजी की, मगर बतौर अलामी बल्लेबाज भी है उन्होंने अच्छा खेला है और टीम को मजबूत शुरुआत दी है। कप्तान विराट कोहली, कोच और चयनकर्ताओं को इन गंभीर सवाल का जवाब देना चाहिए। कुछ फैन का यह भी कहना है कि रोहित शर्मा के ना होने पर टीम इंडिया मैच हार रही है और भारतीय टीम न्यूजीलैंड से अच्छी टीम है, तो उन्हें हम बता दें न्यूजीलैंड की तरफ से भी टीम टॉप गेंदबाज और विलियम टीम का हिस्सा नहीं है, फिर भी यह टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सभी का क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी खबर लगातार प्राप्त हो सके।